हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आफ्टरनून में अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि परसों को रोहित मेरा घर आया था तो मेरे को बोल के गया है कि मंडे को मेरा मौसी का शादी है तो मैं अकेला रहूँगा एंड यहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं हूँ, तो तू आना तो मुझे थोड़ा कंपनी मिलेगा। तो मैं भी सोचा हाँ, क्लास ख़त्म करने के बाद तो जा सकता हूँ, तो इसीलिए मैं आज जाने वाला हूँ उसके साथ शादी में अटेंड करने के लिए। तो शाम को पहुंच सकते हैं 4 बजे आसपास। तो अभी थोड़ा सा काम है, एक मामूलों के साथ जाएंगे अम्बागन, वहाँ से रिटर्न आएंगे, तो वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ के बाद जाएंगे रोहित के साथ। वो इसीलिए आज मैं आफ्टरनून में अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज वैसे बन जाएगा दिन भर का, ठीक है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद वहाँ पे, जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ शादी अटेंड करने के लिए जाऊँगा, कुछ काम करना नहीं वहाँ पे। तो चले फिर मिलते हैं वहीं पे। थोड़ा सा लेट हो गया है, तो वहाँ का पूरा काम ख़त्म करने के बाद फिर से मैं रूम गया था। रूम जाने के बाद अभी जा रहा हूँ बाइक में। तो रोहित भी आया था, हॉस्पिटल आया था पापा को लेके, तो अभी वो लोग निकले हैं, तो मैं भी चलता हूँ, साथ में मिलेंगे। एंड जगह तो मुझे नहीं पता है, बस लाइव लोकेशन भेज दिया है, तो देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर वहीं पर चलेंगे। ओके, तो अभी चलते हैं एंड मिलेंगे वहीं पर। चलो फाइनली पहुंच गए एंड यह लोकेशन, पीछे आप देख सकते हो बाराती गाड़ी एंड हेलमेट पहनने के बाद आप देख सकते हो बाल कैसे दिख रहे हैं, इसीलिए बाल को भी क्या करें। तो कॉल किए हैं, रिसीव करेगा तो जाएंगे साथ। अभी किधर है मुझे भी नहीं पता, इधर है इस तरफ, इसी तरफ तो खाना बज रहे हैं। तो उसके बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूं लोकेशन पे, और ये जो जगह है जगन्नाथपली बोलते हैं, सेक्टर नंबर 16। तो वहां पे ये जो प्रोग्राम था एंड मेरा दोस्त भी वहीं पे था, तो यहां आने के बाद काफ़ी मतलब भीड़ तो नहीं था, लेकिन सेटअप वगैरह बहुत ही अच्छा था एंड देख सकते हो एलईडी। उसके बाद इधर दूल्हा दुल्हन को विश भी कर रहे थे, हम लोग तो बाद में गए, तो उसके बाद हम लोग खाना खाए दोनों जन एंड क्या ही बोलूँ। तो खाना खाने के बाद हम लोग को भी नाचने का बहुत मन किया था, तो हम लोग भी ज्वाइन कर लिए। Ah।
डांस करने के बाद एक हमारे नाना लगेंगे, उन्हें छोड़ने के लिए आए थे छेड़ तरफ ग्राउंड, मतलब ओके ग्राउंड होके। और ये भाई पहाड़ के ऊपर में पहुंच गए नाना जी। जीवा जी रख में मैं कहते यकीन नहीं होते। हाँ 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 जी यकीन नहीं होते कहा था। प्रभाव कैसा हो गया है जुड़ी जुड़ी। हाँ हाँ बाय बाय। नाना को छोड़ दिया यहाँ पर और हम लोग कभी चलने वाले। देखना तखने से गिरा थी इस गाड़ी तो है, ठंडा लगा थे भाई। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ देख सकते हो ध्यानचंद जी का स्टैचू है। तो रेत को यहाँ पे फोटो होना है, मेरे को तो नहीं होना है, मुझे उतना पसंद नहीं है इसको फोटो होना। चलो बात मेरा बिगड़ गया लेकिन बहुत ब्यूटीफुल प्लेस। मैं तो यूट्यूब में देखा था पर अभी रियली रियलिटी में देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दियो कितना बरकला ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, काफी नहीं सोचा था कि हम छोटे बड़े होंगे। आज हम सोचे नहीं थे कि हम शादी पार्टी में आज मिलेंगे बोल के। टाइम था इसलिए हम जाते हैं, टाइम पास भी कर लेते हैं, फैमिली भी आई है, माँ पापा भी आए हुए हैं, तुमसे भी थोड़ा मिलेंगे जाके, ये थोड़ा कौन बच्चा फोटो ही कम दूंगे। ठंडा में हिला थे ये क्या करो, मैं तो छोटा हूँ ये खड़ा। चलो चलो फोटोशूट कम्प्लीट हो गया भैया, अभी चलते हैं, ठंडा लग रहा है। एक दो सैलो मारेंगे उसके बाद तो वापस आना पड़ेगा, रात नहीं करेंगे ज़्यादा, बस नहीं दो तीन सैलो खाली मज़ा लगता। मज़ा लगा, ठंडा लगा था लेकिन इन्हें से किरल ठीक रहता कि साइड बाइड से किरल ठीक है, हमें कर मतलब व्यू को नहीं अच्छा दिख रहा था। जावे जावे चल 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 इन्हें से ये नहीं आने साइड रहे, ये नहीं है तो पूरा जंगल है, इतना अच्छा डेवलप कर रखा है वहीं पे, वहीं पे यहाँ पूरा फूल अभी नहीं ऊपर कर जो जितना है वो सब अभी रेडी। तो चलो वेलकम टू के साथ घूमते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, कितने साल के बाद घूम रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता है घूमने के लिए। ड्राइव भी चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आज थोड़ा टाइम है तो इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक भी कर रहे हैं तभी से, बट आप लोग को दिखा नहीं पा रहे हैं। तो फाइनली हम दोनों वापस आ गए हैं और डीजे को तो लेके भाग गए हैं, मतलब लेके चले गए, तो हम लोग अभी ढोलकी में नाचने वाले हैं। बैड लक। हेलमेट गिर गया। चलो बाय बाय, मिलते रहेंगे, आज का दिन अच्छा था एंड मस्ती तो की है, लेकिन डीजे नहीं हुआ इसलिए, डीजे नहीं हुआ इसीलिए वापस जा रहा हूँ, मैंने तो आज रहने वाला था। चलो चलते हैं एंड मिलते हैं घर में। ओके तो आई एम बैक। तो आज मैं गया था सेक्टर नंबर 16 जगन्नाथपाली। एक्चुअली मैं मुझे शादी अटेंड करने का मन तो नहीं था, लेकिन अपने दोस्त को कंपनी देने गया था एंड क्या ही बोलो, कितने दिनों के बाद हम दोनों साथ में थोड़ा मस्ती मजाक किए एंड एंजॉय किए साथ में एंड अच्छा लगा। एंड वो तो अकेला ही था तो जाने के बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ उसको एंड मेरे को भी।
एंड इस बार शुक्र है कि कोई मुझे वहाँ पर नहीं पहचान रहा, इसका ही फोन आ रहा है। होई ना पहुँच लो, तुम्हें पहुँच ले कि पहुँच लो, एड्रेस चेंज करा दो, नहीं पहुँच रहे मैं किसी का नहीं, एकाने पहुँच लो और मैं भी कॉल करूँ कहाँ तरह बीजे अनलाइन का ये रखा छोटा बजाय रखा कहते हैं नहीं पहुँच रहा। अच्छा सुधबो आगे क्या था? ठीक है, चल ठीक है ना, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। तो क्या ही बोलूँ, एक्चुअली मैं मम्मी पापा से मिलवाएंगे सोच रहे थे, मेरा मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड का मम्मी पापा, तो वो लोग लौटते समय सो गए थे। वैसे तो जाने के बाद उनसे बातचीत हुआ एंड अच्छे से बैठ के बातचीत किया, लेकिन लौटते समय हम सोचे कि थोड़ा बैठ घट करेंगे तो मिलाएंगे आप लोगों के साथ, ऐसे सोचे थे, बट वैसे नहीं हो पाया क्योंकि वो लोग सो गए थे। फिर हम सोचे कि नहीं यार डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सोने देते हैं, किसी और दिन करेंगे करके। उसके बाद मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ने आया था रोहित, उसके बाद मैं पहुंच गया हूँ घर अभी एंड अभी सोने वाला हूँ। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, टाइटल क्या रहेगा, बेस्टी के साथ मस्ती, बस छोटा सा, एंड मुझे भी नींद लग रहा है तो मैं भी सोने वाला हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो था एंड थैंक यू गाइस ये देखने के लिए। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून। मेरा अभी यहाँ के लिए लिमिट कर रहे हैं, गुड नाइट।